पार्ट आठ, परमात्मा शिव और शंकर में अंतर। सिवाय त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के और कोई पता नहीं सकता। अपरमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे तुम समझते थे अब तक कि ये दोनों एक है, परंतु ध्यान से देखो दोनों का नाम अलग अलग है। आज तक किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा। शिवरात्रि मनाते कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते, शिव जयंती कहते शंकर जयंती नहीं कहते। जहां शिवलिंग रखा जाता उसे शिव आलय कहते, उसे कभी शंकर आलय नहीं। दोनों का नाम ही अलग है, और ध्यान से देखेंगे दोनों का रूप अलग है। शिवलिंग निराकार ऐश्वर्य ऐजर्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार, और शंकर पूरा शरीर धर, हाथ पैर नाक मुंह आंख कंसार। फिर कोई कह रहे थे ये शंकर का लिंग है, पता नहीं कहां से बुद्धि निकालती। जैसी वृत्ति है वैसी उनकी दृष्टि हो जाती है, वैसे उनके बोल हो जाते हैं, वैसे उनके कर्म हो जाते हैं। वास्तव में शिवलिंग निराकार अशरीरी अजन्मा अयोनी अभोक्ता ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है, जहां डायमंड रखा गया था जिसकी जगह पर फिर पत्थर रखा। रूप दोनों का अलग है, दोनों का काम अलग है। शंकर विनाशकारी शिव कल्याणकारी। और चौथी बात ध्यान से देखें कि शंकर जी भी बैठकर शंकर जी शिवलिंग की पूजा करते हैं। अपनी पूजा तो खुद नहीं करेंगे ना, शिवलिंग पूज्य शंकर पुजारी। और लास्ट बात हम ध्यान से देखें, शंकर जी हर वक्त माला फेरे, हर वक्त बोल रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इतना फर्क है। शंकर जी ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है मैं आत्मा नमस्कार करती हूं शिव। नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है दोनों अलग होंगे ना, दोनों एक तो नहीं हो सकते। तो हमें समझ में आता है शिव और शंकर दोनों अलग है। शिव निराकार अशरीरी अजन्मा अयोनि अभोक्ता परमात्मा का यादगार। और अच्छी तरह समझने की इच्छा हो तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रश्न हो तो 921310698 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।